हेलो फ्रेंड्स, अकाउंट्स एंड फाइनेंस गुरुकुल चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंजीव कुमार मिश्रा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। बिजनेस स्टडीज क्लास 12th चैप्टर नंबर 10th फाइनेंशियल मार्केट, और फाइनेंशियल मार्केट का ये क्लास सेकेंड है। ठीक है, फर्स्ट क्लास में हमने क्या कहाँ तक कर लिया था? फर्स्ट क्लास में ये सब हो गया था। हमें शुरू करना था फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट का फर्स्ट पार्ट जो होता है, जिसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, वहां से हमें क्लास शुरू करना है। ठीक है, प्राइमरी मार्केट से। ठीक है, सबसे पहले फाइनेंशियल जो मार्केट होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया हमने, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो देखते हैं प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट है क्या। द प्राइमरी मार्केट इज आल्सो नोन एज न्यू इश्यूज मार्केट, यानी कि प्राइमरी मार्केट में जो सामान बिकता है वो नया नया होता है, यानी ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट हैंड मार्केट है प्राइमरी मार्केट, और आगे चल के देखेंगे सेकेंडरी मार्केट सेकेंड हैंड मार्केट है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, इट डील्स विद न्यू सिक्योरिटीज बीइंग इशू फॉर द फर्स्ट टाइम। ये किस चीज से डील करता है? वो सिक्योरिटीज यानी शेयर्स, डिबेंचर, जो कि फर्स्ट टाइम पे इशू हुआ। द एसेंशियल फंक्शन ऑफ प्राइमरी मार्केट इज टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टेबल फंड्स फ्रॉम सेवर टू एंटरप्रेन्योर सीकिंग टू एस्टैब्लिश न्यू एंटरप्राइजेस और टू एक्सपैंड एग्जिस्टिंग वंस थ्रू द इशू ऑफ सिक्योरिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है, और ये आप उस लायक है भी नहीं कि अभी समझ में आए। ये वाला पॉइंट जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया उसको मैं बाद में आपको कोरिलेट करके दिखाऊंगा कि ये बोलना क्या चाहते हैं। जब मैं सेकेंडरी मार्केट में कुछ बताऊंगा उसके बाद यहाँ पे आएंगे हम लोग। ठीक है, द इन्वेस्टर इन दिस मार्केट आर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स एंड इंडिविजुअल। यहाँ पे यानी कह सकते हैं कोई भी सभी इसमें पार्टिसिपेंट्स है। अ कंपनी कैन रेज फंड्स, या एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे ही देता हूँ, ये जो ब्लू वाला टिक मैंने लगा उससे पहले मैं कुछ बता देता हूँ आपको। ठीक, हाँ, देखिए कैपिटल मार्केट का दो पार्ट है, पहला प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। पहला है हमारा प्राइमरी मार्केट और दूसरा है हमारा सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है कि जो बिजनेस है, बिजनेस को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो वो कहाँ पे जाएगा? प्राइमरी मार्केट में जाएगा, और प्राइमरी मार्केट में जाके और वो पैसा किससे ले लेगा? इन्वेस्टर से। यानी कि प्राइमरी मार्केट में जो हमारा ट्रांजैक्शन होता है वो किसके बीच में होता है? बिजनेस और इन्वेस्टर्स के बीच में। यानी कि जो रियलिटी में बिजनेसमैन को पैसा मिलेगा वो किस मार्केट में मिलेगा? प्राइमरी मार्केट में। और हमें स्टार्टिंग से यही पढ़ते आना कि फाइनेंशियल मार्केट का काम क्या है, कि जिसको पैसा चाहिए और जिसे पैसा चाहिए वो दोनों को एक जगह पे लाके खड़ा करता है। तो ये फाइनेंशियल मार्केट में क्या हुआ कि जिसको पैसा चाहिए यानी बिजनेस, और जिसके पास पैसा एक्स्ट्रा है यानी इन्वेस्टर या हाउस होल्ड जो भी हो, ठीक है, उन दोनों को एक बार में एक जगह पे मिला दिया तो यहीं पे काम खत्म हो जाता था। तो प्राइमरी मार्केट का पे ही जब काम खत्म हो गया था तो सेकेंडरी मार्केट बनाने का क्या जरूरत था? ठीक है, तो मैं अभी ही शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि सेकेंडरी मार्केट फिर क्यों आया। एक बार जब इस इन्वेस्टर ने पैसा अपना लगा दिया उसके बाद इसको चाहिए पैसा, तो फिर ये जाएगा गया फिर प्राइमरी मार्केट के पास। ठीक है, बोला क्या उससे कि भैया जो आपको मैंने पैसा दिया था वो मुझे वापस करो क्योंकि मुझे था है जरूरत। तो प्राइमरी मार्केट क्या बोलेगा कि वो तो पैसा मैंने किसको दे दिया? बिजनेसमैन को दे दिया। अब ये आया बिजनेसमैन के पास, बोला कि भैया जो आपको मैंने पैसा दिया था वो मुझे पैसा वापस करो। ये क्या बोलेगा कि मैंने तो बिजनेस में लगा दिया, अब ऐसा थोड़ी कि ऐसे बेच के फिर से दूंगा। यानी कि अब इस इन्वेस्टर को चाहिए उस पैसे के रिगार्डिंग, पैसे को उसको कैश में, सॉरी, उस शेयर को या डिवेंचर को उसको किस चीज में कन्वर्ट करना है? कैश में कन्वर्ट करना है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल उसको नहीं मिला। तब डिसीजन क्या हुआ कि कैपिटल मार्केट का एक दूसरा सेगमेंट बना, कौन? सेकेंडरी मार्केट में। अब अगर इस इन्वेस्टर को अपना शेयर बेचना है तो इसको जाना पड़ेगा कहाँ? इसको जाना पड़ेगा इस मार्केट में, इनको जाना पड़ेगा। ये अब
अगर इनको फिर से अपने पैसे को कैश, सॉरी शेयर्स को कैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो सेकेंडरी मार्केट में जाएंगे, और सेकेंडरी मार्केट में ये उस इंसान को ढूंढेंगे जिसको कि वही शेयर जो ये बेचना चाहते हैं, जो इनके पास है, वो यहाँ पे खरीदने के लिए तैयार हो। तो सेकेंडरी मार्केट का क्या काम है, यानी कि ये डील कर रहा है सेकेंड हैंड आइटम से, यानी कि जो शेयर ऑलरेडी इशू हो चुका है प्राइमरी मार्केट में, वो ट्रेड कहाँ होता है, सेकेंडरी मार्केट में उसको। यानी सेकेंडरी मार्केट कहीं ना कहीं क्या प्रोवाइड करता है, लिक्विडिटी, ताकि कि बाद में वो शेयर होल्डर, शेयर जो इन्वेस्टर है जिसने शेयर प्राइमरी मार्केट में खरीदा था, बाद में वो कैश में उसको कन्वर्ट कर सके, और इसको नॉर्मली वहां पे कोई ना कोई बायर मिल ही जाएगा अगर इसका शेयर या डिवेंचर जो भी इन्वेस्टमेंट है अगर बढ़िया होगा तो। यानी कि आप बोल सकते हैं कि बिजनेसमैन को जो पैसा मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है, प्राइमरी मार्केट में। क्या बिजनेसमैन को सेकेंडरी मार्केट से मतलब है? अगर ऊपर ऊपर बोला जाए तो सेकेंडरी मार्केट में उसको मतलब नहीं है, ठीक है। तो यही बात ये था कि द एसेंशियल फंक्शन ऑफ प्राइमरी मार्केट इज टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टेबल फंड्स फ्रॉम सेवर टू द एंटरप्राइजेस सीकिंग टू एस्टैब्लिश न्यू एंटरप्राइजेस और टू एक्सपैंड एग्जिस्टिंग वंस थ्रू द इशू ऑफ शेयर सिक्योरिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम। सिक्योरिटीज का मतलब शेयर और डिबेंचर सब हो। यानी कि जो ऑल इन ऑल क्रक्स में ये बोल सकते हैं कि बिजनेस को पैसा कहाँ पे मिलता है, प्राइमरी मार्केट में। हमने एग्जाम्पल में ये चीज बढ़िया से देख लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द इन्वेस्टर इन दिस मार्केट आर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स एंड इंडिविजुअल्स, ठीक है। अ कंपनी कैन रेज फंड्स थ्रू प्राइमरी मार्केट इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, लोन, डिपॉजिट, इन सब के नाम से भी पैसा उठाती है, ठीक है। ठीक है, फंड्स रेज मे बी सेटिंग अप न्यू प्रोजेक्ट। फंड्स जो उठाते हैं वो हो सकता है कि नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए, अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स एंड मर्जर एंड टेक ओवर, इन सभी किसी भी काम के लिए कंपनी पैसा ले सकती है। अच्छा, अब जो पैसा लेती है वो मेथड ऑफ फ्लोटेशन क्या है, पैसा उठाने का क्या क्या जरिया है जो कि प्राइमरी मार्केट से कंपनी पैसा उठा पाएंगे। There are various methods of flotation, floating new issue in the primary market. पहला है offer through prospectus. Offer through prospectus is most popular one. Most popular method of raising funds by public company in primary market. यानी सबसे most popular, this involves inviting subscription from the, इसमें क्या होता है, inviting subscription from the public through issue of prospectus. इसमें क्या होता है कि company prospectus, यानी अपना पूरा डिटेल देती है कि मुझे पैसा चाहिए, उसमें सब कुछ लिखा होता है कि वो पैसा आएगा कितना, कहाँ क्या क्या यूज करेंगे, फिर उससे हम कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उस प्रोस्पेक्टस को देख के लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे, यानी शेयर के लिए अप्लाई करेंगे। प्रोस्पेक्टस मेक, हाँ, प्रोस्पेक्टस मेक्स अ डायरेक्ट अपील। ये क्या करता है, डायरेक्ट अपील करता है टू द इन्वेस्टर टू रेज कैपिटल थ्रू एन एडवर्टाइजिंग इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। द इशू मे बी अंडररिटन एंड ऑल्सो आर रिक्वायर्ड टू बी लिस्टेड एट एनी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस। यानी कि कहना क्या चाहते हैं कि कंपनी एक बार से इशू करने के बाद फिर क्या करते हैं कि मैगजीन और एडवर्टाइजमेंट ये सब कुछ न्यूज़पेपर में ऐड डालते हैं, ठीक है। अच्छा, हो सकता है कि कंपनी शेयर इशू करने के बाद उसको क्या कर दे, अंडरराइट कर दे। अंडरराइट करने का सिंपल सा मतलब है कि कंपनी किसी और को बोल देते कि आप मेरा शेयर बिकवाइए, आपको कुछ कमीशन दे देंगे, तो वही उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अंडर राइटिंग, ठीक है। एंड ऑल्सो रिक्वायर्ड, अच्छा, कंपनी को अगर ऐसे शेयर इशू करना है तो एक जरिया होता है स्टॉक एक्सचेंज, आगे हम पढ़ेंगे। स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एक जगह है, बस ऐसे ही आप समझिए, क्या है स्टॉक एक्सचेंज, एक जगह है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज पे जाके वो लोग क्या करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज पे भी कंपनी को अपना शेयर लिस्ट कराना जरूरी है ताकि कि जनरल पब्लिक उस कंपनी का शेयर खरीद सके। द कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस हैव टू बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट एंड सेबी डिस्क्लोजर्स एंड इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन गाइडलाइंस। आगे हम जाके बढ़िया से पढ़ेंगे कि सेबी क्या है और क्यों, क्या जरूरत है इसका। तो सेबी का सिंपल सा मतलब काम यही होता है कि जो लोग अपना पैसा लगा रहे हैं उनका पैसा सुरक्षित रहे, ठीक है। दूसरा है हमारा ऑफर फॉर सेल। अंडर दिस मेथड सिक्योरिटीज आर नॉट इशू डायरेक्टली टू द पब्लिक बट आर ऑफर्ड फॉर सेल थ्रू इंटरमीडियरीज लाइक इशूइंग हाउसेस, लाइक इशूइंग हाउसेस और स्टॉक ब्रोकर। इन दिस केस अ कंपनी सेल सिक्योरिटीज इन ब्लॉक at an agreed price to broker who in turn resell them to the investing company. यहाँ पे क्या होता है, company direct sell नहीं करती है, ये बेच देती है किसको, brokers को बेच देती है, और फिर वो broker किसको बेचते हैं, investing
पब्लिक को, यानी जिसको पैसा लगाना है वो सेल करता है। अगला हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होगा, कंपनी सबका सबसे किसी एक प्राइवेट, किसी एक ग्रुप या किसी प्राइवेटली किसी को प्लेस कर देगी, यानी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को। प्राइवेट प्लेसमेंट इज अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय अ कंपनी टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जिन्होंने कंपनी फॉर्म किया है, ठीक है, एंड सम फॉर एग्जांपल LIC को बेच दिया, किसी म्यूचुअल फंड को बेच दिया, ये सब सम सेलेक्टेड इन और कुछ सेलेक्टेड बड़े बड़े इंडिविजुअल्स को। इट हेल्प्स टू रेज कैपिटल मोर क्विकली देन अ पब्लिक इशू। पब्लिक इशू में बहुत सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। इसमें क्या है, सीधे दो ही तीन पार्टीज हैं तो उनमें फ्रंट टू फ्रंट फेस टू फेस बात हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ से पैसा रेज करना ज़्यादा ईजी है, यानी ईजी कहने का मतलब क्विकली रेज हो जाएगा। एक्सेस टू द प्राइमरी मार्केट कैन बी एक्सपेंसिव ऑन अकाउंट ऑफ वेरियस मैंडेटरी एंड नॉन मैंडेटरी एक्सपेंसेस। ठीक है, जो हमारा वो सब इशू है उसमें हमें प्राइमरी मार्केट में जाना पड़ेगा, ठीक है, उसमें बहुत सारा खर्चा होगा। यहाँ पे क्या है कि उनको जो जो हमारे सेलेक्टेड इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनके साथ टेबल पे बैठ के बात होगा, उसके बाद सारा एग्रीमेंट होगा, हम उनको शेयर अपना अलॉट करेंगे और उनसे पैसा ले लेंगे। सम कंपनीज देयरफॉर कैन नॉट अफोर्ड अ पब्लिक इशू एंड चूज टू यूज प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, अगला हमारा राइट शेयर। इसमें क्या होगा कि जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं उनको ही पहले एक राइट दिया जाएगा कि आप शेयर खरीद लीजिए, अगर वो नहीं खरीदेंगे फिर तो मुझे पब्लिक इशू में जाना पड़ेगा। दिस इज अ प्रिविलेज गिवन, इट इज अ प्रिविलेज गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू सब्सक्राइब टू अ न्यू शेयर्स दैट द कंपनी इज इशूइंग। ठीक है, द शेयर होल्डर, देखिए वो शेयर होल्डर क्यों उस कंपनी का शेयर खरीदेगा, जब उसका पोजीशन अच्छा होगा तो वो बोलेगा यही खरीद लेते हैं। ठीक, ऑफर द राइट टू बाय न्यू शेयर्स इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ शेयर्स, और वो जो राइट मिलता है वो किस प्रोपोर्शन से मिलता है कि आपके पास कितना शेयर है तो आप इतना आपके आपके लिए राइट है, आप खरीद सकते हैं। EIPO, अ कंपनी प्रपोजिंग टू इशू कैपिटल टू द पब्लिक थ्रू द ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हैज टू इंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द स्टॉक एक्सचेंज, दिस इज कॉल्ड एन इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। EIPO कहने का मतलब ऑनलाइन मोड में कंपनी थ्रू स्टॉक एक्सचेंज अपना शेयर को इशू करेगी। सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर हैव टू बी अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन। सेबी से जो रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं वो एक्सेप्ट करेंगे लोगों का एप्लीकेशन और फिर वो उधर जाएगा। ठीक है, एंड प्लेसिंग ऑर्डर विद द कंपनी, और कंपनी को वही प्लेस ऑर्डर करेंगे। द इशूअर कंपनी शुड ऑल्सो अपॉइंट अ रजिस्ट्रार टू द इशू हैविंग एन इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी विद द एक्सचेंज। द इशूअर कंपनी कैन ऑल्सो can apply for listing of its securities on any exchange other than the exchange through which it has offered its securities. The lead manager coordinates all the activities among the intermediaries connected with issue. ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में हमने बात किया, यहाँ पे कंपनी को किसी चीज से मतलब नहीं होता, जिसके पास शेयर है और जो खरीदना चाहता है इन दोनों के बीच में यहाँ पे बात होगा। तो सेकेंडरी मार्केट, द सेकेंडरी मार्केट इज आल्सो नोन एज स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। इसका दूसरा नाम क्या है, स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज। इट इज अ मार्केट फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, यानी जो ऑलरेडी शेयर इशू हो चुका है ऑलरेडी उसी का यहाँ पे ट्रेडिंग या सेल परचेज होगा। इट हेल्प्स एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स टू डिसइन्वेस्ट एंड फ्रेश इन्वेस्टर्स टू एंटर इनटू मार्केट। यही काम है सेकेंडरी मार्केट का, मेन क्या कि जिसके पास ऑलरेडी शेयर है उसको डिसइन्वेस्ट कर दें, यानी किस इन्वेस्टमेंट उसका हटा दें, यानी पैसा उसका इन्वेस्टमेंट पैसे में कन्वर्ट कर दिया जाए। और फ्रेश इन्वेस्टर अगर मार्केट में एंटर करना चाहता है, मान लीजिए स्टार्टिंग में किसी कंपनी ने शेयर इशू किया था, ठीक है, किसी कंपनी ने शेयर इशू किया था, अब वो शेयर मैंने इशू के टाइम नहीं खरीदा था, बाद में मुझे लगा कि कंपनी अच्छी है शेयर खरीदना है, तो मुझे कहाँ आना पड़ेगा, सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, और उस आदमी को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास वो शेयर है और वो बेचना चाहता है, तो वहां से मैं खरीद लूंगा। ठीक है, तो ये यही बोल रहा क्या कि टू हेल्प एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर टू डिसइन्वेस्ट और फ्रेश इन्वेस्टर टू एंटर इनटू द मार्केट। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स लिक्विडिटी मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। यही बात हुआ था, इसी काम को क्या बोलते हैं, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ बाई चैनलाइजिंग फंड्स टूवर्ड्स द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ऊपर और कोई पॉइंट दिया है, ठीक,
प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। प्राइमरी मार्केट को क्या बोलेंगे, न्यू इश्यू मार्केट, और सेकेंडरी मार्केट का दूसरा नाम है स्टॉक एक्सचेंज। देयर इज सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय न्यू कंपनी और फर्दर देयर इज सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय न्यू कंपनी और फर्दर, यानी या तो नई कंपनी यहाँ पे शेयर इशू करेगी या जो ऑलरेडी इशू कर दी है, यानी कंपनी इन्वॉल्व है यहाँ पे। क्या है, जो एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी शेयर इशू हो चुका था उसी का बस ट्रेडिंग होगा, ठीक है। सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय कंपनी टू द इन्वेस्टर डायरेक्टली, यहाँ पे किसके बीच में ट्रांजेक्शन होता है, कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में। यहाँ पे इन्वेस्टर्स, दो इन्वेस्टर्स के बीच में ही यहाँ पे ट्रांजेक्शन होता है सेकेंडरी मार्केट में। कौन कौन, ऑनरशिप ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी इज एक्सचेंज, यानी यहाँ पे केवल ऑनरशिप चेंज होता है, एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर से खरीद लेता है। द फ्लो ऑफ फंड्स इज फ्रॉम सेलर टू इन्वेस्टर, यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में जो इनहेंसेस इन कैश एंड लिक्विडिटी, यहाँ पे मेन काम क्या होता है, जिसको पैसा चाहिए जिससे चाहिए उसके पास चला जाता है, और यहाँ पे क्या होता है सिंपल सेकेंडरी मार्केट में लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। ओनली बाइंग एंड सिक्योरिटीज, बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस इन प्राइमरी मार्केट, सिक्योरिटीज कैन नॉट बी सोल्ड देयर, यहाँ पे केवल खरीदा जाता है बेचा नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पे दोनों होता है, ठीक है, खरीदना और बेचना दोनों होता है। प्राइसेस आर डिटरमाइंड डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी डिसाइड करती है, और यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द सिक्योरिटी डिसाइड करता है कि प्राइस क्या होगा, ठीक है। देयर इज नो फिक्स जियोग्राफिकल लोकेशन एट ए स्पेसिफाइड प्लेस, ठीक है, यहाँ पे कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है और यहाँ पे प्लेस है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ तक हमारा हो गया था। सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड क्लियर्ड एंड सेटल्ड विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बाय सेबी। सेबी का काम क्या है, रेगुलेट करता है इन्वेस्टर्स के हितों का, ठीक है। एडवांसेस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैव मेड ट्रेडिंग थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री थ्रू ट्रेडिंग टर्मिनल। ट्रेडिंग टर्मिनल है, यानी रूट प्रोवाइड कर दिया गया, आप ऑनलाइन आराम से ट्रेडिंग कर सकते। Along with the growth of the primary market in the country, the secondary market has also grown significantly during the last 10 years. ठीक है, आगे देखते हैं। अगला हमारा stock exchange. Stock exchange यानी secondary market. Stock exchange क्या हमारा secondary market. A stock exchange is an institution which provides, ये क्या है, institution यानी company है, which provides a platform for buying and selling of existing securities. हमने पढ़ा था कि जो सेकेंडरी मार्केट है उसमें क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, यानी जिसके पास शेयर है वो बेचना चाहता है और जिसके पास नहीं है वो खरीदना चाहता है, वो काम कहाँ होगा, स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज यानी सेकेंडरी मार्केट में। एज अ मार्केट द स्टॉक एक्सचेंज फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज इनटू मनी एंड वाइस वर्सा, ठीक है, ये सब जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक। स्टॉक एक्सचेंज हेल्प्स कंपनी रेज finance and provide liquidity and safety of investment to the investor, enhances the credit worthiness of individual company. Meaning of a stock exchange, according to securities contracts regulation act 1956, a stock exchange means any body of individual where incorporated or not constituted for the purpose of assisting, regulating, इनका काम क्या है, assist करना, regulate करना, controlling the business of buying and selling of or dealing in securities, ये सब ये control करते हैं, ठीक है, यानी simple एक company है जिनका ये काम है। Functions of a stock exchange, the efficient functioning of a stock exchange creates a conducive climate for an active and growing primary market for new issuer. The efficient functioning of a stock exchange creates a conducive climate for an active and growing primary market for new issues. An active and healthy secondary market in existing security leads to positive involvement among investors. ठीक है, healthy कहने का मतलब वही जो क्या कि fair हो, true and fair हो, जो भी वहाँ पे काम चल रहा है वो true and fair हो। The following are some of the important functions of a stock exchange. ये बाद में पढ़ते हैं, history of the stock market in India. पहला क्या है फंक्शन, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग शेयर्स, जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उनको मार्केट प्रोवाइड करना और लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। द बेसिक, या क्योंकि जो पैसा बेचना चाहता, जो जिसको पैसे का जरूरत है वो और उसके पास शेयर है वो शेयर बेचना चाहेगा, और जो इन्वेस्ट होना चाहता है उस कंपनी में वो शेयर खरीदना चाहेगा,
The basic function of a stock exchange is the creation of a continuous market where securities are bought and sold. It gives investors the chance of disinvestment and reinvest. Yani disinvest or reinvest hone ka chance deta hai. This provides both liquidity and easy marketability to already existing securities in the market. Pricing of securities. Security ka kya price ho, yani kis price pe sale purchase ho, ye bhi provide karta hai स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, यानी जहां सेलर और बायर मैच हो जाएगा वहीं वहीं उसका प्राइसिंग डिसाइड हो जाएगा. यानी ऑलरेडी किस चीज पे डिमांड और सप्लाई पे ये डिपेंड करेगा. सेल प्राइसेस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज आर डिटरमाइंड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. स्टॉक एक्सचेंज इज अ मैकेनिज्म ऑफ कांस्टेंट वैल्यूएशन थ्रू व्हिच द प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज आर डिटरमाइंड. सच अ वैल्यूएशन प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इंस्टेंट इंफॉर्मेशन टू बोथ बायर एंड सेलर्स ऑफ द इन दी मार्केट. ठीक है, अगला सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन. यानी जो ट्रांजेक्शन हो वो सेफली हो, यानी पैसा जो पैसा दे रहा है उसके पास शेयर पहुंचे और जो शेयर दे रहा है उसके पास पैसा पहुंचे. द मेंबरशिप ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज इज वेल रेगुलेटेड एंड इट्स डीलिंग आर वेल डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क. दिस इंश्योर्स दैट द इन्वेस्टिंग पब्लिक गेट्स अ सेफ एंड फेयर डील ऑन द मार्केट और कोई धांधली भी ना हो. कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट इन विच एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर रीसोल्ड एंड ट्रेडेड. थ्रू दिस प्रोसेस द डिसइन्वेस्टमेंट एंड रीइन्वेस्टमेंट सेविंग्स गेट्स चैनलाइज्ड इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज. यानी यहाँ पे रीइन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट होता है तो यहाँ से जो पैसा आइडल पड़ा होता है वो सही जगह पे आता है, तो इसके थ्रू ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ता है. स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, ये देखते हैं क्या है. यानी इक्विटी कल्ट कहने का मतलब इक्विटी के प्रति लोगों का उत्सुकता यानी कल्चर बढ़ा रहा है, यानी कि वो इंटरेस्ट ले रहे हैं लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करना प्रेफर कर रहे हैं. पहले क्या होता था कि लोग इक्विटी में ट्रेड करना, शेयर बाय सेल करना, ये सब जुआ समझते थे, लेकिन लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है. ठीक है, कि ये भी एक अच्छा ऑप्शन है. द स्टॉक एक्सचेंज कैन प्ले अ वाइटल रोल इन ensuring wider share ownership by regulating new issues, better trading practices and taking effective steps in educating the public about the investment. लोगों को investment के लिए सिखाना, ये सब काम किसका है? Stock market का. ठीक है, stock exchange का. Providing scope for speculation. The stock exchange provides sufficient scope within the provisions of law for speculative activity in a restricted and controlled manner. It is generally accepted that a certain degree of healthy speculations is necessary to ensure liquidity and price continuity in the stock market. Speculation कहने का मतलब कि सोचने का या risk लेने के regarding आप समझिए. ठीक है, providing scope for speculation. The stock market provides sufficient scope within the provisions of law. यानी provisions of law के अंदर ही सोचना भी होता है, और यानी एक तरफ से आप समझिए कि लोग क्या कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं. ठीक है, और रिस्क जो ले रहे हैं वो प्रोविजंस ऑफ लॉ के अंदर ही है. यानी कहने का मतलब कि थोड़ा बहुत रिस्क होता है, और जो रिस्क होता है उसको हिंदी में आप सट्टा भी बोल सकते हैं. यानी प्रोवाइडिंग स्कोप ऑफ स्पेकुलेशन कहने का मतलब कि थोड़ा बहुत सट्टा भी है स्टॉक एक्सचेंज में. द स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड सफिशियंट स्कोप विद इन द प्रोविजंस ऑफ लॉ फॉर स्पेकुलेटिव एक्टिविटी. यानी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी के रिगार्डिंग इन रिस्ट्रिक्टेड एंड कंट्रोल, लेकिन जो ये रिस्क है और सट्टा है वो रिस्ट्रिक्टेड है और कंट्रोल्ड मैनर में, इसलिए यानी हेल्दी है कहने का मतलब. ठीक है, इट इज जनरली एक्सेप्टेड दैट अ सर्टेन डिग्री ऑफ हेल्दी स्पेकुलेशन इज नेसेसरी फॉर इंश्योरिंग लिक्विडिटी एंड प्राइस कंटिन्यूटी इन द स्टॉक मार्केट. ठीक है, तो ये भी टॉपिक हमारा खत्म हुआ. अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर. यानी जो स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर परचेज सेल बाई होता है उसका पूरा प्रोसीजर क्या है, ट्रेड करना और सेटलमेंट करने का प्रोसीजर क्या है, ये बड़ा टॉपिक है. तो ये इस वीडियो में मैं कवर नहीं करूँगा, ये वीडियो तो काफ़ी ही छोटा ही है वैसे, तो 20-25 मिनट के आसपास का ये वीडियो है. लेकिन ये अगला टॉपिक बहुत लंबा है और उसको पढ़ाने से वीडियो 1.5 घंटे के आसपास हो जाएगा, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट को रखेंगे. ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. अच्छा लगा लाइक करिए, बेकार लगा डिसलाइक करिए, लेकिन डिसलाइक के साथ कमेंट में बता दीजिएगा कि क्यों डिसलाइक किया. ठीक है, और अगर डाउट कुछ है तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा.
ठीक है, और सब्सक्राइब करना प्लीज चैनल को मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय।